अभी हम लोग जा रहे हैं श्री देवी जी के घर पर, जहाँ पर वो रहती थी, उनकी बिल्डिंग में। हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी, ये रिक्वेस्ट थी कि मैं श्री देवी जी के घर की वीडियो बनाऊं। दोस्तों, मैं सबके कहने से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जिन लोगों की वीडियो अभी तक नहीं बन पाई, समझ लो भाई लाइन में है, मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिलहाल जहां पर मैं खड़ा हूं, यही श्री देवी जी का घर था। ये साइड में आप ये साइड में पहले वो बिल्डिंग दिखा दें बस। दोस्तों, ये बिल्डिंग में श्री देवी जी रहती थी। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये फ्रंट साइड का रोड है और यहाँ पर आपको एक फ्रूट स्टॉल दिख रही है। ये अंकल हैं जो यहाँ पर फ्रूट सेल कर रहे हैं 85 से, मतलब आप समझ सकते हो 35 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। दोस्तों, ये अंकल के पास ना जाने कितनी बार श्री देवी जी आई हैं और यहाँ से फल लेके गई हैं, क्योंकि उनकी बिल्डिंग के सामने ही है और इस एरिया में एक ही फल की दुकान है यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं लोखंडवाला में हूँ, जो अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला है। बिल्डिंग का नाम है ग्रीन एकर्स। तो दोस्तों, ग्रीन एकर्स में ही वो रहती थी, बीच वाली बिल्डिंग में रहती थी। बिल्डिंग का नंबर था 2 नंबर की बिल्डिंग है, जहाँ पर वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी और आज भी उनकी लड़की, उनके हस्बैंड यहीं पर रहते हैं। मैं यहाँ से निकल ही रहा था और ये अंकल श्री देवी जी का जो घर है, जिसका नाम है ग्रीन एकर्स, जो अंधेरी मलम वेस्ट में लोखंडवाला में है, जिसका नाम है ग्रीन एकर्स, ये सर जी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने, मैं इनसे कुछ एक्चुअली थोड़ी सी नॉलेज ले रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं, इनको बराबर मालूम है सब चीज़ों के बारे में। तो सर ने हमसे बात किया। सर, आपका नाम क्या है? श्याम धारी यादव अंकल जी का नाम है और इन्होंने हमें बताया। तो ये यहीं पर फ्रूट्स बेचते हैं। हम अंकल का बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेंगे और बस इनसे थोड़े से सवालात पूछेंगे जो आप सब लोग जानना चाहते हो। अंकल जी, आपने बताया ये बिल्डिंग के अंदर ही श्री देवी जी रहती हैं और बहुत बार, अंकल आप यहाँ पर कब से हो? मतलब 85 से ये यहाँ पर हैं, उसके हिसाब से करीब 35 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 35 साल से, मतलब मैं बोला अंकल को, आप बचपन से शायद यहीं पर हो और ये यहाँ पर फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का बिजनेस करते हैं। बिल्डिंग इधर नहीं था, अच्छा, बाद में बना है। बिल्डिंग बनने से पहले से आप यहाँ पर फ्रूट बेच रहे हो। और बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो श्री देवी जी थी, जो एक मेलोडी एक्टर थी, जिन्होंने इतनी फिल्मों में काम किया और जो सबकी सुपर हिट हुई हैं सबकी सब, तो उनसे आप मिले हो? बिल्कुल मिला हूँ। मिले हैं? किस बहाने मिले हो? फ्रूट लेके जाते हैं, सब्जी लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर बताया कि यही सर वो से हैं जो यहाँ पर एक ही, इस एरिया में यहाँ पर एक ही फ्रूट्स की शॉप है, एक ही वेजिटेबल्स की शॉप है, वो यहाँ पर आती थी और कई बार यहाँ से सब्जियाँ लेके गई हैं। बच्चे को यहाँ से घोड़े पर दौड़ाते थे बैठा के। अच्छा, पहले इधर घोड़े भी चलते थे? घोड़ा पर चलते थे। अच्छा, कुछ टाइम पहले यहाँ पर घोड़े भी दौड़ाते थे, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पर घोड़े से सवारी कराते थे। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हो, ये एक बार एक ही एरिया दिखा दो, ये एरिया, ये पूरा रोड दिखा दो। मैं अभी अंकल की जो वेजिटेबल्स की शॉप है, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जो बिल्डिंग के एकदम फ्रंट सामने है। और ये वही अंकल हैं, ना जाने कितनी बार यहाँ पर श्री देवी जी आई होंगी। गार्डन से लेके कॉर्नर तक, अच्छा, श्री देवी का बच्चा दौड़ाता था घोड़े।
और इसी रोड पर, ये जो रोड आप देख रहे हो, ना जाने कितनी बार वो यहाँ पर अपने बच्चों को खिलाती थी। और ये बिल्डिंग बनने से पहले अंकल जी यहाँ पर है, मतलब बिल्डिंग जब बनी भी नहीं थी तब से वो यहाँ पर फ्रूट्स बेचते थे। बिल्डिंग बनने के बाद श्रीदेवी जी यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। दोस्तों मैं अभी भी आपको बहुत सारे स्क्रीन शॉट दिखा सकता हूँ जब श्रीदेवी जी की डेथ हुई थी और वो उनकी बॉडी यहाँ पर आई थी। अच्छा, यहाँ पर उनका शमशान में हुआ था, वो तो विले पार्ले में हुआ था ना? विले पार्ले में हुआ था, दुबई से लाश आई थी। अच्छा, तो वहाँ रखे हुए थे सबलेशन क्लब में, वहाँ सब हीरो लोग। अच्छा, मिलने आए थे? जितना ऐसा कोई एक्टर नहीं था कि नहीं आया था, सब वो यहाँ पर क्लब है। हाँ, क्लब सबलेशन क्लब। अच्छा, सेवलेशन क्लब का, तो यहाँ पर बाजू में ही एक क्लब है, उस क्लब में श्रीदेवी जी की बॉडी रखी गई थी जब वो दुबई से आई थी। और अच्छा, पहले उनका घर में आए थे, अंदर में ही था जब आए थे, एम्बुलेंस आए थे। भाई ये भाई से और मिल लो, ये भाई बिल्डिंग के ही हैं, बिल्डिंग में इनका काम है, बिल्डिंग में इनकी जॉब है, जहाँ पर बोनी कपूर जी रहते हैं, जहाँ पे श्रीदेवी जी रहती हैं। और कौन कौन रहता है भाई ये बिल्डिंग में? जूही चावला जी हैं और तब्बू जी हैं। जूही चावला जी, जूही चावला जी कौन से फ्लोर पर रहती हैं? 15वां माले पे रहती हैं जूही चावला जी। और तब्बू जी? तब्बू तीन माले पे। तो आप तो सबसे मिल लिए होंगे भाई। पहले माले श्रीदेवी जी का, पहले माला श्रीदेवी जी का है और 15वां माला तब्बू जी का है। अच्छे से जानने मिला और इन्होंने मेरे को बहुत बेहतर तरीके से बताया। तो ये सर वही सर हैं जिन्होंने ना जाने कि पहले तो आप समझ लो जो 35 साल से ये यहाँ पर फ्रूट सेल कर रहा है, इनका यहाँ पर स्टॉल है। और 35 सालों में अब तो करीब 4-5 साल हो चुके हैं श्रीदेवी जी की डेथ को, 4-5 साल, मतलब ये समझ लो 30 साल से इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बार देखा है श्रीदेवी जी को। और श्रीदेवी जी काफ़ी बार यहाँ पर अपने बच्चों को लेके आई हैं, यहाँ पर काफ़ी वो उनको खिलाती थी। होने के बाद यहाँ पब्लिक कितना था कि पूछो मत, बहुत लाख, कई लाख पब्लिक यहाँ पर इसी रोड पर। हाँ, उसका तो मैंने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में भी देखा था, वीडियो भी है, मैं आपको बाजू में छोटा वीडियो दिखा दूंगा जहाँ पर समझ पाएंगे कि यहाँ पर कितना क्राउड था, ये पूरा रोड भरा हुआ था। यहाँ पर बाजू में एक क्लब है, जैसे सर ने बताया, उनकी बॉडी सबसे पहले एयरपोर्ट से घर पर लाए थे। यहाँ से शमशान गई थी, कितने एक्टर थे, सब लोग उधर यहाँ पर आए थे। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो बॉलीवुड की एक मेलोडी एक्टर थी, जो एक फेमस एक्टर थी। एक्टर नहीं हो कि नहीं आया था, सब आए थे इंडिया में, इतना एक्टर थे सब आए। सर बता रहे हैं कि सारे के सारे एक्टर यहाँ पर आए थे, सर का वो टाइम पे काम भी बनता, 5-6 दिन काम हम लोग का यहाँ बंद। हाँ, गेट कर लिया हमने, हम लोग केरला केरला वो मेरा से आदमी आए हुए थे यहाँ, उनके लिए जान सोए हुए पड़े हुए। मैंने गेट का वीडियो बनाया है जहाँ पर वो एम्बुलेंस अंदर जा रही है, एम्बुलेंस आ रही है, मैं आपको दिखा दूंगा, आप साइड में स्क्रीनशॉट देख के समझ जाओगे दोस्तों। तो ये है लोखंड वाला का एरिया जहाँ पर एक नहीं ना जाने कितने बॉलीवुड स्टार्स यहाँ पर रहते हैं और इसी बिल्डिंग में काफ़ी लोग रहते हैं जैसे इन्होंने बताया। तो बस आप एक बार सामने उधर जाके ये स्टॉल दिखा दो, ये स्टॉल मैं सिर्फ आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि यार कितने पुराने टाइम से यहाँ पर फल बेच रहे हैं और ये अंकल ने श्रीदेवी जी को फल दिए हैं, वो यहाँ से आके सब्जी भी लेके गई हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मतलब वो दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन आज हमको अंकल से बात करके काफ़ी अच्छा लगा है और ये फल स्टॉल पर आके भी हमको काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने भी यहाँ से केले लिए थे, अभी एक ही बचा है। भाई आप केला खाओगे? दे दो भाई उनको हमारी तरफ से, ये नहीं नहीं ले लो। तो हमने यहाँ से केला लिया, मैंने भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। आप ये जो रोड के वो साइड देख रहे हो, वो साइड में फ्रंट में बिल्डिंग है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्रिएटिविटी, ये कंटेंट मेरा पसंद आया होगा जहाँ पर मैंने आपसे उनको मिलाया, वो जो वेजिटेबल सेलर है, वो अंकल है जो यहाँ पर 35 साल से काम कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी बार श्रीदेवी जी को फ्रूट्स दिए अपने हाथों से और काफ़ी बार उनके घर पर पार्सल किए। उनके घर का एड्रेस आता होगा, वो आपको बोल देते होंगे। तो यहाँ से कितनी बार सब्जी इन्होंने पहुँचवाए, सबके पर्सनल नौकर होंगे, तो सबके पर्सनल नौकर होंगे जो यहाँ पर आते थे और इनसे ना जाने कितनी बार वेजिटेबल्स लेके गए हैं। उनकी लड़की, उनके हस्बैंड यहीं पर रहते हैं। तो दोस्तों ये जो अंकल आप देख रहे हो, ये वही अंकल हैं जो यहाँ पर 35 साल से हैं और इन्होंने यहाँ पर
उनको अपने हाथों से कितनी बार फ्रूट्स दिए हैं, और उनके कई बार उनके नौकर आते थे और अंकल के पास से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके जाते थे। और ये जो रोड आप देख रहे हो जहाँ पर आज फिलहाल यहाँ पर ये बस चल रही है, बस चलने से पहले बस तो काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन रोड पहले थोड़ा कच्चा था, यहाँ पर घोड़े भी दौड़ते थे। और इसी रोड पर यहाँ पर काफ़ी टाइम वो अपने बच्चों को लेके आती थी और घोड़े की सवारी कराती थी, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर खेलती थी। हाँ, जानवी कपूर, खुशी कपूर। तो ये सर जानवी कपूर और खुशी कपूर जी की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर घोड़े से सवारी करती थी उनकी मम्मी के साथ में। हाँ, बैठाते थे वो अभी जो है जानवी कपूर। हाँ, और अभी तो वो जिम करती हैं, काफ़ी टाइम वो यहाँ पे साइकिल से घूमती रहती हैं, उनकी काफ़ी टाइम यही रोड से वो यहाँ से गुजरती रहती हैं और साइकिल से घूमती रहती हैं। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर ये अंकल से डिटेल लेके बहुत अच्छा लगा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यही है वो बिल्डिंग ग्रीन एकर्स, जहाँ पर श्री देवी जी रहती थी। आज श्री देवी जी इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। उनकी डेथ दुबई में हुई थी और दुबई से उनको यहाँ पर लेके आया गया था। दोस्तों, जिस टाइम पर दुबई से वो यहाँ पर आई थी, इस रोड पर इतना पब्लिक था, इतनी मीडिया थी कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सामने जो फ्रूट स्टॉल वाले अंकल है वो बता रहे थे कि यहाँ पर इतनी पब्लिक होने की वजह से उनका धंधा भी बंद था। ऑब्वियसली कि इतनी पब्लिक रहेगी तो भाई कहाँ से स्टॉल लग पाएगा। तो 10 दिन तक करीब उनका धंधा यहाँ पर बंद रहा था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जहाँ पर मैंने आपको श्री देवी जी का घर दिखाया, जिस बिल्डिंग में श्री देवी जी रहती थी, ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये आपको पसंद आया होगा। गाइज, If you have any query, और अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, कमेंट करके मुझे बताते हो कि भाई हमको ये दिखाओ, हमको वो दिखाओ। हाँ, एक्चुअली ऐसा है भाई, मैं किसी ना किसी चीज़ में थोड़ा लेट हो जा रहा हूँ, बट मैं पूरी ट्राई करूँगा कि एक भी ऐसा बंदा नहीं हो कि जिसकी बात का मैं अमल ना करूँ, उसकी बात की कही हुई वीडियो ना बनाऊँ। मैं पूरी ट्राई करूँगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, फिलहाल आई एम इन मुंबई, और आप अगर मुंबई से बाहर की जगह बता रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुंबई में जितनी भी जगह है मैं जल्द से जल्द आपको वो सारी वीडियोस दिखा के जाऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझसे बार बार कह रहे थे कि भाई जानवी कपूर का घर दिखाओ, भाई श्री देवी जी का घर दिखाओ। तो भाई, उन लोगों के लिए वीडियो है, आप देख सकते हो कि जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में जानवी कपूर, श्री देवी जी रहती थी। श्री देवी जी तो रहती थी, जानवी कपूर आज भी इसी बिल्डिंग में रहती है और इसी रोड पर ना जाने कितनी बार साइकिलिंग करती है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आपका ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट गाइज।